मजीद मजेदार रेसिपीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube का चैनल मसाला टीवी रेसिपीज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़रनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं, बगेट है मेरे पास यहाँ, उसके ऊपर हम क्रंची क्रॉस्टिनी बनाएंगे, ठीक है, ये बाद में करेंगे, और उसमें हम डिपिट के सॉसेज यूज़ करने जा रहे हैं। अच्छा, पहले हम बना रहे हैं आज ट्रिपल चॉकलेट कपकेक्स। अब ट्रिपल चॉकलेट इसलिए कि इसके अंदर हम कोको पाउडर डाल रहे हैं, चॉकलेट नहीं है, और हम चॉकलेट स्प्रेड डाल रहे हैं, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार से कपकेक्स बनते हैं। फिलिंग एंड फ्रॉस्टिंग का जो है, जो सारी चीज़ें हैं वो मैं थोड़ा अलग कर दूँ, सो दैट आई डो नॉट मेक अ मिस्टेक। हियर इज़ माय चॉकलेट स्प्रेड। देखें, चॉकलेट स्प्रेड आपको घर में भी बना सकते हैं, आप मैकेडेमिया नट्स से बना सकते हैं, बादाम से बना सकते हैं। आपको बस इसको अच्छी तरह ग्राइंड करना है, उसमें आपने थोड़ा थोड़ा तेल डालना है और ये बन जाता है। अगर आप चाहें तो आप इसमें पिघली हुई चॉकलेट भी डाल सकते हैं, सो यू कैन मेक इट एट होम ऑल्सो, बट इट्स अ टीडियस प्रोसेस। आपको मिल जाता है मार्केट में, बॉटल्स में, जार्स में, और ये लोकल भी बनाते हैं कंपनीज, अच्छा है वो भी, और फॉरेन भी मिल जाता है, ठीक है। सो हेज़ल नट का बेसिकली बाहर का तो होता है, लेकिन अगर हेज़ल नट नहीं मिलते हैं यहाँ, ऑब्वियसली नहीं मिलते हैं, तो आप बादाम से भी बना सकते हैं, थोड़ा सा टेस्ट में फ़र्क आएगा। मैंने ये बनाना सिखाया भी है। इसमें हम क्रीम डालेंगे जिसको हम थोड़ा सा सार करेंगे, और अलग से भी एक क्रीम थोड़ा सा हमने रखा हुआ है। कॉफ़ी पाउडर जाएगा, कोको पाउडर और आइसिंग शुगर, अब सब कुछ वही चीज़ें हैं जो कपकेक में भी जाएंगी, तो हम थोड़ा थोड़ा इस तरह इस्तेमाल करेंगे। कपकेक के लिए मेरे पास मैदा है, मैदे के साथ कोको पाउडर जाएगा। देखें, कोको पाउडर की जो मिकदार मैं लिखती हूँ, मैं उससे थोड़ा कम लेके आती हूँ, इसलिए कि मेरा वाला कोको पाउडर बहुत ड्राई कर देता है अगर मैं बहुत सारा डालूंगी तो, इस मिकदार से हमेशा मैं कम लेके आती हूँ, ठीक है। मैं जो कोको पाउडर लेती हूँ, बहुत दफ़ा लोग हमें पूछते हैं, ऑल दोज फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन ऑन आर पेज और कॉल करके भी, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि कोको पाउडर में खुले वाले जो बैग्स मिलते हैं एम्प्रेस मार्केट में या कहीं भी, खुले वाले बैग्स, नाम नहीं उस पर, वो वाले कोको पाउडर मैं यूज़ करती हूँ। दूसरा वो मिलता है आपको अमेरिकन ब्रांड का, फेमस है, वो भी आप यूज कर सकते हैं, फर्क ऑनेस्टली कुछ भी नहीं है। ये भी जो है लोकल नहीं है, ये इंपोर्टेड है, लेकिन बैग्स में आपको नेम के बगैर, नाम के बगैर मिलेगा। बेकिंग सोडा है, इसमें बेकिंग पाउडर जाएगा, कॉफी इसमें जाएगी, और तेल है। ये कपकेक्स में मक्खन नहीं है, तेल है, ठीक है। तो अगर ऐसे हो कि कभी अचानक मेहमान आ जाए, आपके पास मक्खन पिघला हुआ नहीं हो, मक्खन फ्रीजर से उतारा हुआ नहीं हो, तो फिर आप तेल से जल्दी से बना सकते हैं ऐसी चीजें। और हम इसमें डालेंगे आज डार्क ब्राउन शुगर, इससे ऐसे लगेगा कि वाकई आपने उसमें पिघला के अंदर चॉकलेट डाली है। ये आपको दो किस्म की मिल जाती है मार्केट में, ये डार्क ब्राउन शुगर है। बाज़ वक्त ये इंपॉर्टेड वाली आपको लेनी पड़ती है अगर हमारी लोकल डार्क ब्राउन अच्छी नहीं होती है या अच्छी नहीं मिलती। वैसे एक्चुअली आई हैव नोटिस्ड कि हमारी लाइट ब्राउन बहुत अच्छी शुगर मिलती है हमें, लेकिन डार्क ब्राउन शुगर नहीं मिलती। सो डार्क ब्राउन मैंने ये बाहर की ली हुई है थोड़ी सी, और हम दोनों में लेमन जूस डाल देंगे। बटर मिल्क एक हमें बनाना है, एक हमें बनाना है सा क्रीम, ठीक है जी। सो दूध यहाँ है, जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस दूध में, उसको बटर मिल्क बनाने के लिए, और यहाँ जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इसको सा क्रीम बनाने के लिए। फिर चम्मच लेके दोनों चीज़ों को मिक्स कर दीजिएगा, ताकि ये हो जाए, ठीक है। ओके, ये हो गया। सो बटर मिल्क बना दिया, सा क्रीम हमने बना दिया, मैदा है, कोको पाउडर है, कॉफी है, बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर है, तेल है, वेनिला एसेंस है, और डार्क ब्राउन शुगर है, और बटर मिल्क इसमें जाएगा। तो ये कपकेक की चीज़ें हम मिक्स करके रख देंगे। फिर जो बाकी चीज़ें हैं वो हम डालेंगे फ्रॉस्टिंग में, और फ्रॉस्टिंग के लिए मेरे पास आइसिंग शुगर है, उसके साथ हम बनाएंगे। आइसिंग शुगर की भी मिकदार जो लिखी हुई होती है ना, उससे हमेशा याद रख के थोड़ी सी ज़्यादा रखा करें, ठीक है। उससे क्या होता है कि बाज़ वक्त आप चाहते हैं कि जो फ्रॉस्टिंग हो वो आप ऊपर पाइप करें, उससे क्या होगा कि वो आइसिंग शुगर की मिकदार ज़्यादा होगी बनस्बत मक्खन वगैरह के, तो वो अच्छा सा स्टे करेगा। आइसिंग शुगर में कॉर्नफ्लावर होता है, कॉर्नफ्लावर आपके आइसिंग को, फ्रॉस्टिंग को स्टेबलाइज करता है, बरकरार रहता है शेप जब आप पाइप करते हैं, ठीक है। तो हमेशा आइसिंग शुगर ज़्यादा रखा करें, आइसिंग शुगर को हमेशा छाना करें, बिकॉज अगर आप उसको पाइपिंग बैग में नोजल के साथ भरेंगे और ज़रा सा एक टुकड़ा भी लंप आ जाएगा आइसिंग शुगर में, तो क्या होगा, वो पाइप नहीं आप कर सकोगे, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको याद रखिएगा, नोट करिएगा। और आज हमारे शो पे है स्मार्ट ड्राई आयन इनिक्स की तरफ से, तो अगर आपको जीतना है तो जल्दी से आप 8881 पे मुझे बताएंगे कपकेक्स के नाम,
बहुत सारे कपकेक्स आपको फूड डायरीज में और उसके अलावा दूसरे शोज में मैं बनाना सिखा चुकी हूँ। कपकेक्स के दो तीन नाम लिख के 8881 पे आप मैसेज कर दीजिएगा, मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। अच्छा, अवन में एक चीज़ मैं रख चुकी हूँ, आप सोचेंगे ये क्या, छोटा सा नज़र आ रहा है मुन्ना सा अंदर क्या है, ये है एक पूरा लहसुन का जवा जो मैंने फॉइल के अंदर रैप करके यहाँ रख दिया है और उसको हमें रोस्ट करना है। ये जब रोस्ट हो जाएगा तो इसको निकालेंगे और हम इस पूरी डबल रोटी के ऊपर वो पॉड्स में से लहसुन निकाल के डालेंगे। रोस्टेड गार्लिक का इतना अच्छा टेस्ट आएगा, आप भी ट्राई करिएगा और ज़रूर बनाइएगा। मैं जानती हूँ लोगों को जो बहुत सारा लहसुन लेके एक दफ़ा फॉइल में रैप करके बेक कर देते हैं, फिर आधे घंटे बाद निकालते हैं, ठंडा करते हैं, फिर हाथों से वो स्क्वीज़ कर देते हैं। थोड़ा सा आप ये रोस्टेड गार्लिक मक्खन में डाल दें, थोड़ा सा आप मेयोनीज़ में डाल दें, थोड़ा सा इस तरह ब्रेड पे लगा दें, बेहतरीन बनता है। बनिस्बत वो क्रश्ड गार्लिक आपने डाल दिया, वो थोड़ा सा कच्चा आता है मुँह में, रोस्टेड होगा तो कैरमलाइज सा हो जाएगा। बहुत सारी बातें हो गई, ऐसे करते हैं एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तब हम शुरू करेंगे इस कपकेक को, बिकॉज अभी मैं कपकेक बना लेती तो मुझे फ़ौरन अवन में रख देना पड़ता। अवन मेरा चूंकि अभी बिजी है, रोस्ट कर रहा है गार्लिक को, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा अपना काम शुरू ना करे, तो मैं ब्रेक ले लेती हूँ। और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि ब्रेक में आप लोग बहुत सारे मैसेजेस कर देंगे 8881 पे, तीन चार आप नाम दीजिएगा कपकेक के रेसिपीज़ के, और नंबर हमारा चल रहा होगा, आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, आज शो पर कम काम है, टाइम बहुत सारा मुझे मिलेगा बातों का, तो ज़रूर आप हमें कॉल करिएगा, ठीक है। और आप 8881 पे SMS करिएगा अगर आपको जीतना है एनएक्स की तरफ से ड्राई स्मार्ट आयन। आप मुझे बताएंगे कपकेक के रेसिपीज़ के नाम, मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर यानी ID कार्ड नंबर ज़रूर लिखना मत भूलिएगा। तो लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं फूड डायरीज़ ऑन मसाला टीवी और मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, और अब हम बनाने जा रहे हैं ये चॉकलेट के कपकेक्स और अब हम शुरू कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको दिखा दूं कि मैंने अवन में से वो रोस्ट कर गार्लिक निकाल दिया था, ये देखें पूरा जवा मैंने यूज़ किया था, यानी पूरा, ठीक है। और उसको फॉइल में अच्छी तरह रैप करके थोड़ा सा आप ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं और उसको आप रोस्ट कर दीजिए, ठंडा हो जाएगा तो इसमें से हम स्क्वीज़ आउट कर देंगे लहसुन को, ठीक है, समझ आ गई। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। अब मुझे ड्राई चीज़ें मिक्स कर देनी है, सो आई एम गोइंग टू यूज़ अ बिगर बोल और उसके अंदर हम चीज़ें मिक्स कर देते हैं। किसको चाहिए आज एनएक्स की तरफ से ये आयरन अपने के घर में, जल्दी से आप हमें 8881 पे बताएंगे दो तीन कपकेक के रेसिपीज़ के नाम, मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। चलिए, इस बोल में हमने नाप तोल के ये मैदा शामिल कर दिया, बेकिंग पाउडर है और बेकिंग सोडा है 1/4 टीस्पून दोनों। बोल में से अच्छी तरह सब कुछ निकालिएगा, ठीक है, कोई चीज़ रह नहीं जाए। इसलिए कि हर चीज़ नाप तोल के हम लेके आते हैं, और जो आपके पास मेजरिंग स्पून्स हैं उनको इस्तेमाल करिएगा प्लीज़। हो गया ये। अच्छा, अब इसमें हम कोको पाउडर शामिल कर देते हैं, नॉट अ लॉट बिकॉज ये डार्क है बहुत। अच्छा, फिर ये है हमारी ब्राउन शुगर और ये है तेल, सो तेल इसमें जाएगा, ब्राउन शुगर जाएगी, इसको हमें बीट करना है। फिर ये मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और कोको पाउडर ये हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब क्या था, बटर मिल्क, ये था बटर मिल्क और वेनिला एसेंस। और कॉफ़ी, तो मैं ऐसे करती हूँ कॉफ़ी को मैं ज़रा यहाँ निकालती हूँ थोड़े से कॉफ़ी को, और उसमें ये दूध शामिल कर देती हूँ ताकि ये मिक्स हो जाए थोड़ा सा। नसरीन है फैसलाबाद से जी, हेलो।
हेलो 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 जी हेलो आपकी क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, आप फरमाइए। माशाल्लाह आपकी आज बहुत प्यारी लग रही है, पिंक सूट आप पे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आवाज़ बहुत कम है फातिमा। आप ही आपके सवाल का जवाब देना चाहती हूँ जी। लेमन कप केक, चॉकलेट कप केक, फ्रेश क्रीम कप केक और क्रीमी कप केक। ओके ठीक है, नोट कर दिया है जवाब, बस दो तीन ही नाम चाहिए थे। बहुत शुक्रिया कॉल करने का फैसलाबाद से, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। मैदा है, कोको पाउडर है, बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर है, कॉफ़ी है, तेल है, वेनिला एसेंस है, डार्क ब्राउन शुगर है और बटर मिल्क है, यानी दूध के अंदर हमने चंद कतरे डाले थे लेमन जूस के। अब याद रखिएगा प्लीज़, इसमें कोई अंडा वंडा नहीं है। सारी चीज़ें मिक्स कर दीजिएगा, कॉफ़ी का पाउडर मैंने इसमें घोल दिया था दूध के साथ डाल के, और अब हर चीज़ आपको मिक्स कर देनी है। थोड़ी सी मिकदार आप बढ़ा के बनाइएगा, बहुत कम कपकेक्स बनेंगे, संभव ऐसे लग रहा है दो बनेंगे। दूध आपको शामिल करना होगा, हाँ, ये बैटर को अच्छी तरह इस तरह का ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी का बनाने के लिए। अंडा नहीं जाएगा, एगलेस है। अब आप देखें इस रंग से, आप देख सकते हैं, पता नहीं चलेगा, ऐसा लगेगा वाकई ट्रिपल चॉकलेट है। हालांकि मैंने इसमें सिर्फ चॉकलेट की क्या चीज़ डाली, सिर्फ कोको पाउडर डाला है, इसमें हमने कुछ और नहीं डाला है। ये जो दूसरे सारे अज्जा हैं जिसमें ये चॉकलेट स्प्रेड है और क्रीम है, साग क्रीम है, कॉफ़ी है और मज़ीद कोको है और आइसिंग शुगर है, ये सब कुछ मिक्स होकर बनेगा इसका फ्रॉस्टिंग। और फ्रॉस्टिंग में क्या करना है, हमने जब कपकेक बेक होकर निकलेगा ना, तो उसमें हम ऐसे करके स्कूअर पोक करेंगे, थोड़ा सा ये फ्रॉस्टिंग ऊपर लगाएंगे ताकि अंदर तक सीप हो जाए, फिर बाकी फ्रॉस्टिंग को ठंडा करके ऊपर पाइप भी कर सकते हैं या आप इस पैलेट नाइफ के साथ लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी, डन। अब हम इसको निकाल देते हैं यहाँ और बेक करने रख देते हैं ओवन में। बहुत दफ़ा फ्रॉस्टिंग्स के लिए हमें लोग कहते हैं अलग अलग फ्रॉस्टिंग सिखाएं, देखें ये एक अलग फ्रॉस्टिंग है। मैंने चॉकलेट और क्रीम पिघला के आपको गणेश बनाना सिखाया है, उन फ्रॉस्टिंग्स के साथ आप बहुत तरीक़ों से खेल सकते हैं। कभी किसी चीज़ में आप बटर क्रीम बना दें, उसमें आप कोई रंग डाल दें, फ्लेवर डाल दें, एसेंस डाल दें, कभी आप चॉकलेट और क्रीम का सिर्फ गणेश बनाएं, कभी कभी आप मिंट की चॉकलेट पिघला दें, ऑरेंज की चॉकलेट पिघला दें तो ऑरेंज चॉकलेट आइसिंग हो जाएगा, मिंट चॉकलेट आइसिंग हो जाएगा। कितने डिफरेंट एसेंसेस मार्केट में मिल जाते हैं, यहाँ तो बहुत सारे मिलते हैं कराची में, दूसरे शहरों का आई रियली डोंट नो। और एसेंस तो ऐसी चीज़ें इतने अरसे तक अच्छी रहती भी है, तो आप एक दफ़ा किसी बड़े शहर जाएं तो आप ले लीजिए ऐसी सारी चीज़ें। अगर आपको भी बेकिंग कुकिंग का बहुत शौक है तो फिर ख़राब थोड़ी होती हैं ये चीज़ें। ठीक है, ये हो गया। पीर से जुमा फूड डायरीज़ लाइव होता है दोपहर में 1 से 2, रात में हमारा शो 10:30 से 11:30 रिपीट होता है, और सैटरडे संडे यानी हफ्ता इतवार भी हमारा शो आता है दोपहर में 1 बजे। ठीक है, शायद वो पीर और मंगल का शो रिपीट होता है, तो देखिएगा अगर आप कुछ भी मिस आउट कर जाएं तो। और ऑफ कोर्स हमारी यूट्यूब का चैनल भी है, तो उस पर भी आप देख सकते हैं, मसाला टीवी रेसिपीज़ के नाम से है, और मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए आप वहाँ भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। फूड डायरीज़ रेसिपीज़ का जो हमारा मसाला टीवी का ऑफिशियल फेसबुक का पेज है, वहाँ आप जाइए, उसको लाइक करिए, और आप जाके देखेंगे तो वहाँ एल्बम्स होंगी, अलग अलग महीनों की अलग अलग तस्वीरें हैं, एल्बम्स हैं, सारी रेसिपीज़ हैं, इंग्लिश में हैं, उर्दू में हैं। इसमें ना मक्खन है ना अंडा है, तेल है, अंडा तो है ही नहीं, और देखें डार्क ब्राउन शुगर डालने का एक रीज़न था, इट रियली लुक्स लाइक आई हैव यूज्ड चॉकलेट। देखा आपने,
इस तरह की ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जब मिक्स कर रहे थे तब नहीं लग रही थी, लेकिन याद रखिएगा कि दूध जाएगा। हमेशा मैं दूध थोड़ा ज़्यादा लेके आती हूँ, बाज़ वक्त मैदा बहुत जल्दी जज्ब कर लेता है, बाज़ वक्त कम, सो दैट्स वाई। अब हम एक चमचा ले लेंगे बिकॉज़ ये लिक्विड ही है, और हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा टाइम लगेगा इसको पोर करने में, एक एक कपकेक में अलग अलग। जस्ट बी पेशेंट और पूरा पूरा नहीं भरिएगा प्लीज। तीन चौथाई ही कपकेक का केस भरते हैं ताकि फैलने के लिए, फूलने के लिए इसके पास जगह हो, वरना क्या होगा कि आपका कपकेक का पूरा बैटर बाहर आ जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। स्पेशली जब लिक्विड ही हो ना बैटर, इस तरह का थोड़ा पतला हो ना, तो बहुत ज़्यादा नहीं भरते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। थोड़ा थोड़ा मैं डालती हूँ, आई डोंट वांट के बहुत फ्लैट बने कपकेक्स, थोड़े तो बड़े लगे मुझे, इनको फ्रॉस्ट करना है, फिल करना है। अभी काटने की ज़रूरत नहीं है इसको, ठीक है, इसको ऐसे ही हम पोक करेंगे स्कूअ के साथ, उससे हम इसको भरेंगे। सफाई करते जाइए वरना आपकी ट्रे पे जो भी चीज़ें ऐसे लगती रहेंगी ना बाहर, वो जलना शुरू हो जाएगा। बस मेरा ख्याल है मैं इसी में डाल दूंगी ताकि एक और नहीं बनेगा, इसी में कर देंगे इसको इनकॉर्पोरेट। एक बना लेते हैं छोटा सा, contradicting my own words, एक ही कर देते हैं छोटा सा, ताकि फिर वो बहुत मज़ेदार बनते हैं। आप देखेंगे अगर यूज़ करके ब्राउन शुगर ना डार्क वाली, तो आपको अंदाज़ा रहेगा कि मैं क्यों इंसिस्ट कर रही थी ऑन यूजिंग अ डार्क ब्राउन शुगर, बिकॉज इट विल ऐड टू द टेस्ट ऑफ योर कपकेक्स। ऐसे लगेगा वाकई आपने इसमें किसी किस्म की कोई चॉकलेट का इस्तेमाल किया है, हालांकि हमने बिल्कुल भी चॉकलेट का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ कोको पाउडर है। और हाँ, कॉफ़ी डालना बहुत ज़रूरी है चॉकलेट की बहुत सारी चीज़ों में। अगर आप चुटकी भर भी कॉफ़ी पाउडर डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा अगर बच्चे हैं तो, क्योंकि फिर क्या होगा, बच्चे हाइपर हो जाते हैं ना, इसमें कैफ़ीन होती है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको मैं रख देती हूँ हाथ ज़रा धो के अवन में बेक होने के लिए, फिर निकालेंगे, ठंडे हो जाएंगे तो हम स्कूअ पोक करके ये फ्रॉस्टिंग थोड़ा अंदर डालेंगे, थोड़ा ऊपर से लगाएंगे। तो आप लोग लीजिए ब्रेक, ब्रेक में आप लोग बहुत सारे मैसेजेस कर दीजिएगा 8881 पे, अगर आपको जीतना है एनएक्स की तरफ से ये ड्राई स्मार्ट आयन, और आप हमें बताएंगे 3-4 रेसिपीज़ के नाम जो कपकेक्स के हैं जो मैंने आपको सिखाए हैं। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग फूड डायरीज, और SMS करिएगा फ़ोन से मैसेज, यानी कि प्लीज़ मुझे नहीं लिखिएगा, हमारे पेज पे नहीं जवाब दीजिएगा, SMS करिएगा, ठीक है। और मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। ब्रेक। जी वेलकम बैक। अब हमें हर चीज़ बीट कर देनी है, जिसमें है थोड़ा सा और कॉफ़ी पाउडर, कोको पाउडर, क्रीम, सा क्रीम, आइसिंग शुगर, और ये चॉकलेट का स्प्रेड, चॉकलेट हेजलनट स्प्रेड, जो कोई भी आपको कंपनी का आप ले लीजिएगा, ठीक है। ये लिया आपने, सोचिए कितना मज़ेदार बनेगा ये कपकेक। इसमें आप ये क्रीम डाल दीजिए, प्लेन क्रीम भी है और थोड़ा सा क्रीम भी है। ये देखें, सा क्रीम
की कंसिस्टेंसी देखिए आपने, इस तरह का हो जाएगा। ये दिखाइएगा क्लोज अप, घबराइएगा नहीं, ठीक है। जब आप क्रीम डाल देंगे अपना लेमन जूस, तो प्लीज़ याद रखिएगा इस तरह हो जाएगा। अच्छा, अब हम इसमें डालेंगे कोको पाउडर, बहुत थोड़ा सा, ठीक है, जस्ट अबाउट अ टेबल स्पून। और हम इसमें डालेंगे बहुत थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर भी, और आइसिंग शुगर, पहले थोड़ी सी डालेंगे फिर दूसरी। फ्रॉस्टिंग इज रेडी, ठीक है, जरूर ट्राई करिएगा, बनाइएगा। फजीला हैं पिंडी से, उनसे बात करते हैं अब जी। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाइए। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। जी जरूर दीजिए। मैंगो कपकेक, नटी लेमन कपकेक, रेड वेलवेट कपकेक और नेपोलिटन कपकेक। ठीक है, वेरी गुड, एक्सेलेंट, ये सारे अच्छे अच्छे जो मेरे भी फेवरेट हैं और मैंने बनाए हैं, वरना लोग चॉकलेट और वेनिला बोल के देते हैं। नोट किए हुए थे, बनाए भी हैं, कपकेक ट्राई भी किए थे। अच्छा, वेरी गुड, फ्रेश मैंगो से? जी। अच्छे बने थे? अच्छे बने थे जी, बहुत अच्छे बने थे। वेरी गुड, वेरी गुड। इसी तरह जब सीजन आए मैंगो की ट्राई करिएगा, वरना ये दूसरे कपकेक्स बनाते रहिएगा जो हम सिखा रहे हैं, ठीक है? जी। ओके। थैंक यू, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है जब मुझे रिस्पांस इस तरह का मिलता है कि दूसरे भी कपकेक्स ट्राई किए, वरना लोग ऐसे ही जवाब दे देते हैं कि बस चॉकलेट और वनीला, ये नाम वो वाले हैं जो मैंने ऑब्वियसली कराए हैं। सो थैंक यू, बहुत शुक्रिया। चले ये हो गया, अब हम क्या करेंगे, इसको आप फ्रिज में नहीं रखिएगा, ठीक है, इसको बस ऐसे ही रख दीजिएगा। हम इसमें पोक करेंगे होल्स, जब कपकेक हमारे रेडी हो जाएंगे निकलेंगे, ठंडे होने का वो नहीं करिएगा, इसको गर्म में ही आप एक दो पोक करके छोटा सा अंदर डाल जाने दीजिएगा, फिर दूसरा ऊपर से फ्रॉस्ट कर दीजिएगा। अच्छा, थोड़ा सा रनी रख सकते हैं इसमें, क्रीम और भी आप डाल सकते हैं, देखें अभी इस तरह का है, आप और भी क्रीम डाल के इसको रनी कर सकते हैं, इससे फिर क्या होगा कि अंदर अच्छी तरह चला जाएगा। और अगर आप इसको पाइप करना चाहते हैं तो और मज़ीद आइसिंग शुगर डाल सकते हैं, पाइपिंग बैग में नॉजल के साथ भर दीजिएगा और ऐसे करके पाइप कर सकते हैं, ठीक है, समझ आ गया। मैदा गया था कपकेक में, कोको पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, कॉफ़ी पाउडर, तेल, वेनिला एसेंस, डार्क ब्राउन शुगर और दूध के अंदर लेमन जूस डाल के बटर मिल्क बना दिया था, ये हम बेक कर चुके हैं। इसमें हमने हेज़लनट चॉकलेट स्प्रेड जो होता है वो डाला था, क्रीम डाला था, सा क्रीम डाला था, यानी क्रीम के अंदर लेमन जूस डाल के, कॉफ़ी है, कोको पाउडर है और आइसिंग शुगर है। इसमें कोई मक्खन नहीं है, इसमें कोई अंडा नहीं है, प्लीज़ ट्राई करिएगा, बनाइएगा, ठीक है। ये हम ऐसे ही साइड में रख देते हैं और फिर हम आ जाते हैं हमारी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो ये बनेगी जब हम कपकेक्स को निकालेंगे अवन में से। अब इस तरह के चिकन के या मोटरडेला या चिकन के स्लाइसिस, डेली कट्स आपको कुछ भी मिल जाते हैं वो जाएंगे। और ये लहसुन ज़रा देखिए, रोस्टेड लहसुन कितना अच्छा लग रहा है, टेस्टी, कैरमलाइज सा हो जाता है। एक आध घंटा इसको लगता है, बड़ा जवा हो अगर लहसुन का पूरा तो, वरना ये आधे घंटे में हो जाएगा, ठीक है। काले और हरे जैतून है, चीज़ है, ऑलिव ऑयल है, टमाटर है। तो ये बैगेट जो है, बड़ी डबल रोटी, फ्रेंच डबल रोटी, इसको हम बीच में से काट देंगे और हमारे ओवन में पूरी फिट नहीं आएगी, तो हमें इसको बीच में से और मज़ीद भी काटना होगा। और आप ये सारी चीज़ें रख के इसके ऊपर चीज़ डालिए और ग्रिल कर दीजिए 5 मिनट, ऊपर का ऑन कर दीजिएगा तो हो जाएंगे कपकेक्स जब निकलेंगे ना तब। और इसको मज़ीद मज़ेदार करने के लिए मैं इसमें डालूंगी डिपिट का चिली सॉस और डिपिट का टमेटो केचप, ठीक है जी। तो वो पूरा स्प्रेड होगा और ऐसा लगेगा वाकई आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ जस्ट सो ईजी एंड क्विक, बट ये इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये ज़रूर बना के देखिएगा, रोस्टेड गार्लिक जैसे मैंने कहा था, टाइम नहीं हो तो आप बना के बहुत सारा रख दीजिएगा फ्रिज में, ये ख़राब नहीं होगा। रोस्टेड गार्लिक वैसे भी कहीं मैंने देखा है मार्केट में मिलता है, क्यों मगर हम घर में बना सकते हैं ना, ठीक है। चलें ब्रेक की तरफ चलते हैं, स्टे ट्यून्ड।
जी वेलकम बैक। देखिए मैंने अभी निकाले हैं, अवन में से इतने सॉफ्ट बने हैं। जो भी चीज़ आप ऑयल से बनाएं, कपकेक्स या केक, वो उसी दिन खा जाइएगा, ठीक है। और ये स्कूअर आपने लिया, इसमें आप इस तरह पोक कर दीजिए, देखें कितने सॉफ्ट बने हैं, ये देखें, ऐसे पोक कर दीजिए प्लीज़। और इसी में ना आप, हमारे पास टाइम नहीं है ना, हम नहीं वेट करेंगे कि ठंडे हो या कुछ, हम इसको अंदर, जो अंदर डालना है ना उसको हम अभी कर देते हैं, ऊपर वाला बाद में करेंगे। थोड़ा रहेगा बाहर, कोई बात नहीं, इसको सीप इन हो जाने दीजिए। बहुत मज़े के बनते हैं, ट्राई ज़रूर करिएगा। थोड़ा थोड़ा इसलिए रख रही हूँ कि अंदर अच्छी तरह चला जाए। अब मैंने बंद नहीं किया इसलिए कि क्रॉस्टिनी भी इसी में करनी है। अब थोड़ा ज़रा लेट इट सीप इन फिर। अच्छा नाउ देखें, ऑलिव ऑयल लिया, ब्रेड को देखें मैंने कैसे काट लिया था, बीच में से काट लिया था और फिर इस तरह, ठीक है, ताकि यहाँ आराम से रहे। ये आपने थोड़ा थोड़ा इसमें ऑलिव ऑयल डाल देना है। ऑलिव ऑयल इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, सो नो प्रॉब्लम। अच्छा फिर जो आपने लहसुन का पूरा जवा रोस्ट किया था अवन में, इसको आप मैश अप कर दीजिए इस तरह, ठीक है। मैं मैश कर दूं ताकि इजी हो स्प्रेड करने के लिए। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, ट्राई करके देखिएगा। ठीक है ये हो गया, अब आप इस पे टमाटर रख दीजिए। और आप ये चिकन के कोल्ड कट्स जो होते हैं ना वो रख दीजिए। कीमा रख सकते हैं, बॉयल चिकन रख सकते हैं, तो जो मैंने रेसिपी में डाला हुआ था वही मैं लेके आई। और चीज़ डाल देंगे और जैतून। ठीक है एनीथिंग यू लाइक। अब आएगा इस पे सॉसेस, डिपिट के सॉसेस आप वाइड रेंज देख सकते हैं, इंस्पायर्ड फ्रॉम डिफरेंट क्विजींस ऑफ द वर्ल्ड, दे हैव मेड ऑल दिस लवली सॉसेस। ये चिली सॉस है, और ये केचप है, थोड़ा सा बस अब ड्रिजल कर दीजिए इस तरह। और याद रहे कि बहुत सारे शॉप्स में अवेलेबल है, रिटेल स्टोर्स में आप दराज से भी ऑर्डर कर सकते हैं। डिपिट के सारे सॉसेस, वाइड रेंज है इनकी, प्लीज़ उनको इस्तेमाल करिएगा, बहुत अच्छे सॉसेस हैं। बस बॉटल को शेक किया और इस्तेमाल कर लिया। अब इसमें हम डालेंगे चीज़ और अवन में रख देंगे। सो सिंपल येट सो मज़ेदार, ऐसे लगेगा पिज्ज़ा खा रहे हैं। कोई भी चिकन आप यूज़ करें, बीफ यूज़ करें, कीमा यूज़ करें, कोल्ड कट्स यूज़ करें, आप हंटर बीफ यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। कुछ नहीं है, एग बॉईल करके रख दें बीच में और वहाँ चलते हैं और इसको हम अवन में रख देते हैं। एक मिनट, पहले मैं इसका जो रैक है ना उसको ज़रा ऊपर कर लूँ, इससे जल्दी हीट लगेगी और ऊपर का भी हम फंक्शन
ऑन कर देते हैं जो ये वाला है। ठीक है जी, देख लिया आपने। चलिए ऐसे करते हैं, रेसिपी रिकैप की तरफ चलते हैं। अगर आपने आज की दोनों रेसिपीज में से कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो देखते रहिए हमारा शो। ट्रिपल चॉकलेट कपकेक्स। अच्छा, मैदा 1/3 कप, कोको पाउडर 4 चाय के चमचे, बेकिंग सोडा 1/4 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1/4 चाय का चमचा, कॉफ़ी पाउडर 1/4 चाय का चमचा, तेल 4 चाय के चमचे, वनीला एसेंस 1/4 चाय का चमचा, डार्क ब्राउन शुगर 1/4 कप, बटर मिल्क 1/3 कप, फिलिंग और फ्रॉस्टिंग के लिए हेजल नट चॉकलेट स्प्रेड 2 खाने के चमचे, सार क्रीम 1 खाने का चमचा, क्रीम 1/4 कप, कॉफ़ी पाउडर 1/8 चाय का चमचा, कोको पाउडर 1 खाने का चमचा, आइसिंग शुगर 1 से 2 खाने के चमचे। तरकीब, एक बोल में मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और कॉफ़ी पाउडर डालकर मिक्स करें। एक अलग बोल में तेल, वनीला एसेंस और ब्राउन शुगर मिक्स कर लें। अब खुश्क अज्जा को गीले अज्जा में डालकर मिक्स करें और बटर मिल्क भी मिला दें। फिर बैटर को मफिन ट्रे में डालकर 15 से 17 मिनट बेक करें और निकाल के ठंडा कर लें। उसके बाद हेजलनट चॉकलेट स्प्रेड और सार क्रीम मिक्स करके एक तरफ रख दें। अब हर कप केक में सुराख करके इसमें मिक्सचर पाइप करें। अगर पाइप ना करना हो तो कप केक के ऊपर फैला दें। फ्रॉस्टिंग के लिए कॉफ़ी पाउडर को क्रीम के साथ बीट करें। अब इसमें कोको पाउडर और आइसिंग शुगर मिलाकर मिक्स कर लें। फिर कप केक्स को फ्रॉस्ट कर दें। क्रंची क्रोस्टनी। अज्जा, बगेट 1 अदद, रोस्टेड लहसुन 1 अदद साबित, जैतून का तेल हसब ज़रूरत, कद्दूकश चीज़ 1/2 कप, चिकन कोल्ड कट्स 2 से 3 अदद, स्लाइस टमाटर 1 अदद, स्लाइस जैतून 1/4। तरकीब, बगेट के स्लाइस को दोनों तरफ से ग्रिल या रोस्ट कर लें कि क्रिस्पी और गोल्डन हो जाए। अब इस पर रोस्टेड लहसुन इस पर रिप करें और जैतून के तेल से ब्रश कर लें। फिर टॉपिंग्स डालकर सर्व करें। क्रंची क्रोस्टनी। अज्जा, बगेट 1 अदद, रोस्टेड लहसुन 1 अदद साबित, जैतून का तेल हसब ज़रूरत, कद्दूकश चीज़ 1/2 कप, चिकन कोल्ड कट्स 2 से 3 अदद, स्लाइस टमाटर 1 अदद, स्लाइस जैतून 1/4 अदद। वेलकम बैक। देखें, क्रंची क्रॉस्टिनी रेडी है। अभी मैंने इसको काटा नहीं है, आप इसको स्लाइसेस में फिर काट के इसको भी 2-3 और काट सकते हैं। ठीक है, ये रेडी है। अच्छा सा क्रंच भी इसमें आ गया है, टोस्ट हो गया है। मैंने ऊपर का अवन भी का फंक्शन भी ऑन किया था। कपकेक्स हमारे रेडी हैं, कुछ अंदर सीप इन हुआ है, फ्रॉस्टिंग कुछ ऐसे ही ऊपर रहने दीजिएगा। कोई स्प्रिंकल्स डालने हो तो आप वो भी कर सकते हैं। आज रिदा बना रही है तड़का में, इस शो के बाद जो लाइव शो है उसमें फ्राई दाल माश और हाईवे मटन कढ़ाई। अख्तर महमूद साहब जीते हैं लाहौर से हमारी, ये एनएक्स की गिफ्ट। ठीक है जी, सो आई होप आप ये सारी रेसिपीज़ ट्राई करेंगे। इस पूरे हफ्ते की रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा। कुछ ना कुछ एक शेफ़ के शो से कुछ ना कुछ ज़रूर ट्राई करते रहें वीकेंड पे जब भी टाइम मिले, ताकि फिर आप भी ब्रश अप कर सकें। कोई चीज़ पूछनी हो आप हमें लिख सकते हैं। और अगले हफ्ते मुलाकात होगी विद लॉट्स ऑफ लवली बेकिंग रेसिपीज़। तो देखिएगा, सीखिएगा, मेरे साथ रहिएगा। और अब दीजिए मुझे इजाज़त, हैव अ नाइस वीकेंड। और जाते जाते भी याद रखिएगा कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।